तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम देने से पहले याद रखने हैं। और याद रखिए कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम देने के टाइम पे। और इस चीज को याद रखिएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो गेट 2020 की जो वैलिडिटी रहेगी इस बार वो 3 साल की रहेगी, ये आई होप आप सबको पता ही होगा। उसी हिसाब से आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी उन्होंने बिगनिंग में डिफाइन कर दिया था, आई होप वो भी आपने देख ही लिया होगा। और जो गेट 2020 है वो इस बार आपका हो रहा है 25 सब्जेक्ट्स के लिए, यानी 25 सब्जेक्ट्स जिनको कि आप पेपर। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ स्टूडेंट्स को इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी जो गेट 2020 की अथॉरिटीज हैं उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, आपका मतलब रेस्पॉन्स चाहिए कुछ कुछ चीजों के लिए, और फिर एक लिंक दे देते हैं इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है आपका HTTP:// समथिंग ऐसा करके। तो इस तरीके के जो लिंक्स होते हैं वो फेक होते हैं, अगर आप फोन वगैरह से या किसी भी चीज से क्लिक करते हैं तो आपका डेटा जो है वो चोरी होने का डर रहता है, तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये अपने ऑफिशियल वेब पेज पे गेट 2020 की अथॉरिटीज ने साफ साफ लिखा है कि इस तरीके के कोई भी मैसेजेस गेट की अथॉरिटी या IIT जो है वो स्टूडेंट को यानी कि एस्पायरेंट्स को नहीं भेजती है। तो प्लीज उस चक्कर में ना फंसे। और जो भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मैं अपने फर्स्ट वीडियो से ही आपको बोलती हूँ कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही रिलाई करें, ठीक है। इधर उधर की वेबसाइट से और इस तरह के इधर उधर के लिंक्स पे ज्यादा विश्वास ना रखें, और ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही चेक करें, ठीक है। इन्हीं ये जितने भी नोटिस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसमें वो सारे लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक हैं, कोई भी आपको फेक लिंक नहीं मिलेगा। या मेरी खुद की वेबसाइट का लिंक भी जो है वो भी आपको उसमें अलग से लिखा जाएगा, जहाँ पे मैं लिखूंगी कि ये मेरा लिंक है, ठीक है। ऑफिशियल वाले का जो लिंक रहेंगे वहाँ पे लिखा जाएगा कि ऑफिशियल लिंक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका गेट 2020 का एग्जाम है इस साल का, वो आपका 1 फरवरी से 9 फरवरी 2000 सॉरी इट्स 2020, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 2020 के बीच में कंडक्ट होगा, ठीक है। सो ये 2019 की जगह इसको 2020 पढ़ें प्लीज। तो 1 फरवरी to 9 फरवरी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 10 डेज तक। इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपको 2020 की जो भी मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको 2020 के लिए क्या याद रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो हमेशा ना उससे पहले साल की जो कट ऑफ है उसको जरूर देखे जाइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आप लाई करते हैं, जनरल कैटेगरी में या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में या SC ST PWD कैटेगरी में, उस हिसाब से अपना अपना यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से अपना टारगेट फिक्स कीजिएगा कि इस पेपर में हमको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि एटलीस्ट आपका कट ऑफ से कम 10 मार्क्स ऊपर आपका अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 2019 की ये जो कट ऑफ है, गेट 2019 का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन कम पूछे गए थे और टफ क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया फिक्स कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताना चाहूंगी, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जनरल का कट ऑफ था 33.5, तो आप अपना टारगेट रखिएगा कि आप एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स का अटेंड करके ही आएंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो बट अगर आपको ज़्यादा का आता है तो फिर आप ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ से जस्ट ऊपर रखने से आप जस्ट गेट में पास तो हो जाते हैं लेकिन आपको अच्छे कॉलेजेस और वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी के सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए जनरल का कट ऑफ है 32, तो केमिस्ट्री वाले जो हैं वो एटलीस्ट 45 का टारगेट लेके चलें कि हमें पूरे पेपर में एटलीस्ट 45 मार्क्स जो हैं वो अटेंड करने ही करने हैं, ठीक
ठीक है 45 मार्क्स का, तो तब जाकर के वो आके ये सोच सकते हैं कि हाँ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप इसमें आगे आ जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इसका आपका 39.6 कट ऑफ था 2019 का, तो आप अपना टारगेट रखिए कि कम से कम 50 मार्क्स का हम लोग को अटेंड करना ही करना है। ठीक है, 50 से अगर कम रहता है तो उसमें आपका थोड़ा सा मतलब चांसेस ऐसे हो जाते कि हो सकता है कि नहीं भी हो पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे और भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो एज यू नो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के बारे में आपको ज़्यादा बोल सकती हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स का जो कट ऑफ था वो 2019 का वो 25.2 मार्क्स का था जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वाले इस बार एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई करें कि वो कम से कम 35 मार्क्स का अटेंड करें ही करें। ठीक है, क्योंकि 35 मार्क्स का आप एटलीस्ट अटेंड करेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ एक एवरेज रैंक आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कट ऑफ 25 है, आप टारगेट ही बनाए कि हाँ हम 25 का ही करके आएंगे, और पता चला कट ऑफ जो है वो आपकी 26 या 27 मार्क्स चली गई, ठीक है, या 28 मार्क्स चली गई या 30 मार्क्स चली गई, तो आप तो बाहर रह जाएंगे, आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से +10 का जो है वो एटलीस्ट मार्जिन लेकर के चलिए, और अगर उससे कम हो पा रहा है, मतलब बहुत कम हो पा रहा है, मान लीजिए 20 ही नंबर का हो पा रहा है, तो फिर आप थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं, अदरवाइज मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो रिड्यूस ही कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिए हैं, उस ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन मार्क्स का भी ऑफिशियल लिंक आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब मेन पॉइंट है एग्जाम देने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों को याद रखें। तो पहली चीज़ है, सबसे पहले पूरे के पूरे पेपर में जितने भी आपके इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन इजी था और सेकंड क्वेश्चन आपका हार्ड आ गया, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने जल्दी कर लिया और सेकंड क्वेश्चन में आपने अपने 10 मिनट गंवा दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का है, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है एक बार देख लेने का है, उसमें जो जो ईजी हैं वो पहले करने के हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो ईजी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ही आप अपना मिनिमम जो मार्क्स हैं वो ऑप्टेन कर लें। तो मिनिमम मार्क्स ऑप्टेन करने से क्या होगा कि एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ अब हमारा क्लियर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द बिगनिंग। ठीक है, एटलीस्ट बिगनिंग में क्यों वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बिगनिंग में आप कोशिश करके इजी क्वेश्चंस को पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लगता है कि हाँ एक क्वेश्चन ये है जिसको मैं सॉल्व करके कर सकता हूँ, तो उसको सॉल्व करके कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अगर आप मान ली इजी क्वेश्चंस आपने सारे पेपर के देखे, उन सबको सॉल्व किया, और फिर आपने देखा कि हाँ मेरे इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं कि मैं अपना कट ऑफ को क्लियर कर लूँगा, जो कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार से +10 मार्क्स का ज़्यादा रखेगा, यानी 25 अगर कट ऑफ थी तो इस बार का मान के 35 मान के चलिए, टू बी ऑन सेफ साइड। ठीक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस बार की कट ऑफ 35 आएगी, लेकिन आपके हिसाब से, ताकि आपकी रैंक भी ठीक है और आपको एक कुछ मार्क्स ये रहे कि हाँ हमें कितना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद तुक्का बिल्कुल ना मारें, अदरवाइज आप गोता खा जाएंगे और आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सो इट्स नॉट अ सेफ साइड, सो टू बी ऑन सेफ साइड तुक्का, हाँ अगर आप 15 मार्क्स का ही सॉल्व कर पा रहे हैं या 16 मार्क्स का ही सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर आप थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसी हिसाब से अपना मिनिमम नंबर आपको कितने का सॉल्व करना है, उस हिसाब से जो कि मैंने आपको बताया कि +10 के हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया रख लें। ठीक है, और अनदर पॉइंट इसकी, अगर मान लो पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो आप घबरा जाते हैं कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करने का है, आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो उस सेक्शन के आखिरी क्वेश्चन से शुरू कर दो। ठीक है, अगर आखिरी भी नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट पढ़ो, कोई ना कोई तो आता ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से पानी वानी पी के उसके बाद वापस स्टार्ट करने का।
ना उसके बाद में सेक्शन ए जो होता है जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है या थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो आपका कंपटीशन में काउंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको सेक्शन ए में दो क्वेश्चन भी आते हैं, तीन क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसे नहीं कि मतलब मेरा सब्जेक्ट पहले फिजिक्स है तो मैं पहले खाली फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करने का है, सेक्शन ए में भी जो इजी क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड के या जनरल इंटेलिजेंस के, उनको कर लेने का है, क्योंकि वो इजी होते हैं, ठीक है, और आपको हेल्प करेंगे एक पर्टिकुलर स्कोर को क्रॉस करने में, ठीक है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएँ उस दिन एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा कुछ खा लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग भी अच्छा रहता है। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं वो मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप 3 घंटे तक एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको जो है हेडेक होने लगता है या इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं, और फिर पानी पीना भी आपको हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो दीज वर द टिप्स जो आपको एग्ज़ाम देने के टाइम पे ध्यान रखने हैं और अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे ध्यान रखने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप काम, कीप प्रैक्टिसिंग। और इसके बाद मैं आपके पास क्वेश्चन वाइज फिजिक्स का, चूँकि मैं फिजिक्स से रिलेटेड हूँ, तो फिजिक्स के एग्ज़ाम की एनालिसिस आपके पास लेके आऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट से, हालांकि ये बहुत एक्यूरेट नहीं होती है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट स्टिल जो प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन लास्ट 3 ईयर्स दैट आई विल ट्राई टू डू, ठीक है। लेकिन आप जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रखेंगे उसको ऐसे प्लस 10 मार्क्स का रखिएगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट अगेन, बाय।